हैप्पीनेस इज होममेड। हाय, आज मैं फिर से मेरे किचन में एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ आई हूँ। वो है मटन रान दम बिरयानी। बहुत तरीके से बनते हैं, पर मैं मेरे तरीके से सिंपल और इजी तरीके से बनाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रान को पहले मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने से पहले रान को मैं कट लगाऊंगी ताकि ये बॉयल हो जाए आसानी से और मसाला भी इसके अंदर तक घुसे। तो काट लगाने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट 2 चम्मच भर के और हाफ लेमन के जूस। लेमन जूस डालने के बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। इसमें डाल दूंगी मिर्ची पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 चम्मच भर के, और मैं डाल दूंगी किचन किंग मसाला 1 चम्मच भर के, और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच भर के, और मैं डाल दूंगी छोटे चम्मच के 1 चम्मच नमक। ये है मम्मी वाला प्यार नमक स्वाद अनुसार। ये सब डाल के हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी और ये मटन रान जो है इसके कट्स के अंदर भी अच्छे से मसाला घुसाऊंगी। तो मसाले से अच्छे से कोट कर दिया मटन रान को। तो अभी मैं रेस्ट के लिए रखूंगी कम से कम 2 घंटा। और आपके पास ज्यादा टाइम हो या पहले से प्लानिंग रहेगा तो 1 दिन के लिए आप रख सकते हो मैरिनेशन में फ्रिज के अंदर। मैं रूम टेम्परेचर में रखूंगी क्योंकि 2 घंटे बाद मुझे ये पकाना है। तो मैं अभी 2 घंटे के लिए इसको ऐसे छोड़ रही हूँ अच्छे से मैरिनेट होने के लिए। तो बेरेस्ता बनाने के लिए खूब सारा ऑयल गरम कर लिया मैंने। 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल है, खूब अच्छे से गरम कर लिया एकदम जब तक धुआं ना निकल जाए। उसमें मैं डाल दूंगी ये पतला पतला स्लाइस करके कटा हुआ बड़े बड़े साइज के 3 ऑनियन को। अभी भून लेंगे, प्याज सॉफ्ट भी हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा जब तक। तो फुल फ्लेम पे 10 मिनट मैं भूनूंगी। तो फुल फ्लेम पे 10 मिनट फ्राई किया तो एकदम अच्छा सा गोल्डन कलर की बन गया है मेरा बेरेस्ता, रेडी हो चुका है। तो बेरेस्ता को अभी साइड में रख रही हूँ। बेरेस्ता के जो ऑयल है उसे मैं अभी बनाऊंगी मैं ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं डाल दूंगी 3-4 टुकड़ा दालचीनी, 6-7 काली मिर्ची, 2 ब्लैक इलायची, 4 ग्रीन इलायची, 4 लौंग। हल्का सा भूनने दूंगी खारे मसाला। हल्का सा भूनते ही मैं डाल दूंगी 5-6 टमाटर। राफली चॉप करके मैंने डाल दिया टमाटर का, एकदम अच्छे से भून लिया और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है टमाटर। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन के पेस्ट 2 चम्मच भर के, अदरक लहसुन के पेस्ट मिक्स करके 2 मिनट हल्का सा भून लूंगी। अदरक लहसुन अच्छे से भून गया, अब मैं डाल दूंगी इसमें छोटे चम्मच की 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के नमक। सारे मसाला भी हल्का सा भूनूंगी। तो मसाला हल्का सा भूनते ही इसमें मैं डाल दूंगी दही। तो बड़े चम्मच के 6 चम्मच भर के मैंने दही डाल दिया। दही से यखनी जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। अभी हल्का सा भून लूंगी दही को भी। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी बेरेस्ता जो पहले से मैं फ्राई करके रखी थी, और बाकी बचा जो बेरेस्ता रहेगा ये हम जब दम देंगे तब हम लेयरिंग में यूज करेंगे। तो बेरेस्ता डालने के बाद मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं डाल दूंगी कुछ फ्रेश पुदीना पत्ता और फ्रेश धनिया पत्ता भी साथ साथ। अभी मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स होने के बाद जो मैं पहले से मैरिनेट करके रखी थी 2 घंटा मटन को, मैरिनेटेड मटन को मैं अभी डाल दूंगी कढ़ाई में। अभी मिक्स करूंगी, मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे क्योंकि मटन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है।
बहुत टाइम तक रखा हमने, 2 घंटा। तो मटन को भी अच्छे से भून लिया मसाले के साथ। तो अभी हल्का सा पानी डाल के हम ढक के दम पे पकाएंगे, जब तक मटन अच्छे से बॉईल ना हो जाए। आप चाहो तो प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हो, जब तक ये अच्छे से बॉईल ना हो जाए। तो अभी मैं डाल दूंगी 1 गिलास पानी। तो अभी मैं ढक के एकदम लो फ्लेम पे पकाऊंगी 30 से 35 मिनट, या उससे 5 मिनट और ज्यादा, जब तक एकदम सॉफ्ट होके मटन गल ना जाए। तो मटन पकते पकते हम राइस पका लेंगे। राइस पकाने के लिए मैंने पानी भी ठाया खूब सारा और पानी को अच्छे से उबलने दिया। अब मैं डाल दूंगी कुछ ऑयल 1/2 चम्मच तक, या कुछ बूंद, ताकि राइस एकदम खुला खुला बने। साथ ही साथ मैं डाल दूंगी नमक, छोटे छोटे 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 ग्रीन इलायची और 2-3 लौंग डाल देंगे, थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता और 2-4 पुदीना भी। तो हल्का सा उबाल आते ही राइस डाल दूंगी मैं। तो बासमती राइस ले लिया मैंने मेजरमेंट कप के 3 कप, और इसको मैं 30 मिनट पहले धो के ऐसे ही पानी में छोड़ा था। अब ये उबालते हुए पानी में छोड़ दूंगी राइस को। तो राइस को मैं अभी 80% ही पकाऊंगी, बाकी जो 20% रहेगा वो दम पे पकेगा। 80% डाल होने के बाद राइस को पानी से निकल लिया और एकदम खिली खिली सी राइस है। तो राइस को साइड में रखती हूँ, तब तक मटन भी एकदम अच्छे से पक चुका है दम पे। 40 मिनट तक लगा है इसको पकाने में, और ये एकदम सॉफ्ट होके अच्छे से पक चुका है। तो अभी गैस बंद करूंगी और अभी मैं लेयरिंग करूंगी बिरयानी को दम पे देने के लिए। तो 2 चम्मच घी डाल दिया, घी डाल के घी को फैला लिया पहले। एक बड़ा सा मैंने पैन ले लिया, इसमें मैं दम दूंगी। तो घी डालने के बाद सबसे पहले मैं राइस डाल दूंगी। राइस को पहले फैला दूंगी अच्छे से। तो अभी मैं ग्रेवी का एक लेयरिंग दे दूंगी राइस के ऊपर। ग्रेवी के लेयरिंग देने के बाद अब मैं डाल दूंगी इसमें बेरेस्ता। बेरेस्ता डाल देने के बाद ग्रीन चिली डाल दूंगी, और थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता। अब मैं फिर से एक राइस की लेयर लगाऊंगी। अब सबसे ऊपर मैं बिठाऊंगी ये रान, और बाकी बचा ग्रेवी भी डाल दूंगी। अब डाल दूंगी मैं ऊपर से फिर से बेरेस्ता। अब मैं डाल दूंगी घी 2 चम्मच भर के, और मैं डाल दूंगी 1 चम्मच बिरयानी मसाला, फ्रेश धनिया पत्ता, फ्रेश पुदीना पत्ता, और मैं डाल दूंगी 2 चम्मच भर के केवड़ा वाटर। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप यूज करो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। रेड फूड कलर ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो ये स्किप कर सकते हो। तो अब मैं फाइल पेपर से पहले कवर करूंगी। फाइल पेपर से अच्छे से कवर करने के बाद लीड लगा दूंगी मैं। तो गैस ऑन कर दिया, फुल फ्लेम पे 5 मिनट मैं पहले रखूंगी, उसके बाद मैं दम पे 15 मिनट पकाऊंगी। 15 मिनट हो चुका है, तो अब मैं ढक्कन हटा के चेक करूंगी, और मैं एक कटोरी बिठाऊंगी बीच में, और ये जो मैं कोयला है इसको जला लिया अच्छे से स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। अब मैं डाल दूंगी इसमें कुछ बूंदे ऑयल की, और फिर से मैं कवर कर दूंगी, और ऐसे मैं 10 मिनट रखूंगी, स्मोकी फ्लेवर भी हो जाएगा और जो दम पे है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 10 मिनट रेस्ट होने के बाद अब मैं कवर हटाऊंगी। तो कवर हटा दिया और कटोरी भी मैं हटा रही हूँ, अच्छे से हो चुका है स्मोकी फ्लेवर। और अभी मैं एक कोने से धीरे से खोलूंगी बिरयानी को। सारे राइस एकदम खिले खिले हैं।
तो एकदम खिली खिली राइस बनाया, बहुत टेस्टी बनता है और एकदम सिंपल तरीका से बनाया मैंने, एकदम अलग तरीका से। तो आप लोग बनाओ, बना के खाने के बाद मुझे जरूर कमेंट में बताना कैसा था आज का मेरा ये रान दम बिरयानी रेसिपी। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।